प्रणादार सुंदर साहब जी, प्रियतम अक्षरातीत ने कलशवाणी में जान का ऐसा रस उड़ेला है, यदि वह आत्मसात हो जाए तो हमारे जीवन की धारा ही बदल जाएगी। एक प्रकरण है, इश्क बड़ा रे सबन में ना को इश्क समान। इस प्रकरण के प्रारंभ की पहली चौपाई है, इश्क बड़ा रे सबन में ना को इश्क समान। इश्क अरबी भाषा का शब्द है और इसको हिंदी में कहते हैं प्रेम। प्रेम का अर्थ क्या होता है? अपने हृदय का समर्पण, जिसमें कोई चाहत ना हो। सामान्य रूप से व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि हमारे लौकिक जो संबंध हैं उनको निभाने में ही अपना हृदय हम लगा देते हैं। परम तत्व क्या है? हमारी आत्मा का अनादि प्रियतम कौन है, जिसके हृदय में हमारे लिए अनंत प्रेम लहरा रहा है, उसकी तरफ से मुख मोड़कर जब हम संसार के संबंधों में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि यही हमारे सब कुछ है, तो उस प्रेम में व्यवधान पड़ जाता है। सामान्यतः समाज में भ्रांति है कि प्रेम अलग है, इश्क अलग है। ऐसा नहीं है, ये भाषा भेद है। वाणी की शैली कुछ ऐसी है जिसमें एक शब्द हिंदी का होगा तो अगला शब्द तो उसी के साथ जुड़ता हुआ अरबी या फारसी का शब्द रखा जाता है। जैसे वन और जंगल, पशु और जानवर, पशु और वन हिंदी संस्कृत के हैं, जंगल और जानवर अरबी फारसी से लिए गए हैं। उसी तरह से प्रेम और इश्क भी है, आशा और उम्मीद भी वैसे ही है। आशा शब्द संस्कृत का है, उम्मीद शब्द फारसी का है। इसी तरह से प्रेम किसको कहते हैं? एक तो भौतिक आकर्षण होता है। एक पिता है, अपने पुत्र के लिए कुछ कर रहा है, पुत्र पिता के लिए अपना समर्पण भाव दिखा रहा है, हृदय का लगाव उसके प्रति है। भाई बहन में लगा हुआ है, पति पत्नी में लगा हुआ है, जो अन्य संगे संबंधी है उनसे भी लगाव होता है, मित्रों से भी लगाव होता है। लेकिन ये लगाव कब तक चलेगा? प्रश्न यह है, क्या हम स्वयं को जानते हैं या इस संसार को जानते हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। जब किसी को ध्यान करने के लिए कहा जाता है तो कहता है कि आंखें जब बंद करते हैं तो अंधेरा दिखाई देता है। सच है, ये सारा संसार भी तो अंधेरा ही है। आप अंतरिक्ष यान से बहुत ऊंचाई पर जब चले जाएंगे तो ऐसी स्थिति आएगी कि जहां सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा। आकाश का रंग वैसे तो कहा नहीं जा सकता है, किंतु योगियों के मतानुसार आकाश का रंग काला है, अहंकार का रंग काला है, महत्त्व का रंग काला है। कारण प्रकृति जब अपनी सुसुप्ति अवस्था में होती है तो दर्शन शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, तम आसी तमसाम गूढ़म अग्रे, केवल अंधकार ही अंधकार था, मनुस्मृति में कहा गया है। आसीत इदम तमोभूतम अतर्क्यम अप्रमेयम प्रसुप्तम इव सर्वता। ये जगत कारण रूप में कैसा था? अंधकार से आवृत, केवल अंधकार ही अंधकार था। आज जब शीर्ष रचना हो गई है तो हमें सूरज चांद सितारे दिखाई दे रहे हैं, किंतु क्या हम जानते हैं कि ये जो सूरज है अंधेरे से ही पैदा हुआ है? जब सूरज अस्ताचल को चला जाता है तो चारों तरफ आकाश में अंधेरा दिखाई देने लगता है। केवल अपने अंश कला से चंद्रमा दिखाई देता है, पूर्णिमा के रूप में केवल एक बार दिखाई देता है महीने में, और टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं जिनका प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचा नहीं होता है। ऐसी कल्पना कीजिए कि अमावस्या की रात हो, उस दिन चंद्रमा भी दिखाई नहीं पड़ेगा और घनघोर रात्रि में हम कहीं चले जाएं, सागर का किनारा हो, रेगिस्तान हो, जहां वृक्ष न हो, मार्ग न हो, आप बताइए आपको बताने वाला कौन है कि किधर जाना है? जब तक रात हटती नहीं आपको सारा संसार अंधकार में दिखाई देता है,
जब सूरज उगता है तो ऐसा लगता है कि एक चींटी भी रेंगती हुई दिखाई दे जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सूरज बना कैसे है? यह सूर्य उस महान अंधकार से निकला है जिस अंधकार में विकृत होने से महत्व तो बना, अहंकार बना, तन मात्राएं बनी, आकाश बना, और उसी आकाश में वायु तत्व की रचना हुई। पुनः वायु तत्व जिसको गैसों का समूह कहते हैं, उससे बड़ी बड़ी गैलेक्सियां निकली, उन गैलेक्सियों से ये सूरज निकला, सूर्य से नौ ग्रह निकले, और नौ ग्रहों से ये हमारे चंद्रमा जैसे ऊपर ग्रह निकले। कुछ नहीं था लेकिन सब कुछ दिखाई देने लगा। जब महाप्रलय होगा सब समाप्त हो जाएगा। वैसे ही जब आप प्रीतम से प्रेम करने का प्रयास करते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, तो आपको अंधेरा दिखाई देने लगता है। वो अंधेरा क्या दर्शाता है कि कुछ नहीं है, सब शून्य है। शून्य में समा जाने वाली सृष्टि है जिनसे हम लगाव रखते हैं, वो उनका भी शरीर एक दिन इस संसार से चला जाएगा। फिर हम किससे प्रेम करेंगे? जिनसे हमारा संबंध है, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते कि पूर्व जन्म में हमारा इनसे क्या रिश्ता था। कर्म के फल से ये हमारे सामने उपस्थित है। मैं कई सुंदर साधकों को भी जानता हूँ, वे वयोवृद्ध हो चुके हैं, उनकी पत्नी का देह त्याग हो चुका है। एकांत में कहते हैं कि जब मेरी पत्नी का देह त्याग हुआ तो सोचा कि मैं भी शरीर छोड़ दूं, लेकिन परमात्मा से प्रेम के लिए उनके पास समय नहीं है। जब कहा जाता है कि भाई थोड़ी देर ध्यान कर लो, तो कहते हैं कि करें क्या, ध्यान लगता ही नहीं है, सारा समय किस में लगा रखे हैं, संसार में पोते पोतियां, पत्नी भी नहीं, बच्चे भी अलग अलग जगह रह रहे हैं, सब अपने अपने संबंधों में फंसे पड़े हैं, अपने अपने सुख की तृष्णा में। किसी को उस सच्चिदानंद परब्रह्म से प्रेम है ऐसा देखने में नहीं आता। प्रश्न यह है कि क्या परब्रह्म के प्रेम के लिए इन रिश्तों को तोड़ दिया जाए? मैं ये नहीं कहता कि ये रिश्ते तोड़ दिया जाए। आप शिक्षित तभी कहलाएंगे जो कम से कम स्नातक तो हो जाए, बीए तक तो पढ़ लें, किंतु स्नातक होने से पहले आपको प्राथमिक कक्षा में जाना पड़ेगा, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कक्षा को पास करना पड़ेगा, तब आप माध्यमिक कक्षा में जाएंगे, उसके पास पश्चात उत्तर माध्यमिक कक्षाओं में जाएंगे, और तब आप स्नातक कक्षा में प्रवेश कर पाएंगे। आप सोचिए, जब आप स्नातक कक्षा में पढ़ रहे होते हैं तो क्या पहले दूसरी तीसरी प्राथमिक कक्षाओं में भी जाना प्रारंभ करते हैं? नहीं, एक पड़ाव था उसको आपने पार कर लिया है, आप स्नातक कक्षा के विद्यार्थी हैं, तो उस प्राथमिक कक्षा में अब जाने की आवश्यकता नहीं, उसको याद करने की स्मृतियां आवश्यकता नहीं, केवल एक धुंधली सी स्मृति रहती है कि हाँ मैंने प्राथमिक कक्षा पास की है, माध्यमिक कक्षा को उत्तीर्ण किया है, उत्तर मध्यमा को उत्तीर्ण किया है, और अब मैं स्नातक का विद्यार्थी हूँ। जब आप स्नातक कक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि अब मैं शिक्षित हूँ, बस यही अवस्था है। जैसे प्राथमिक कक्षा को पार किए बिना माध्यमिक कक्षा में नहीं जा सकते, माध्यमिक कक्षा को पार किए बिना उत्तर मध्यमा में नहीं जा सकते, उत्तर मध्यमा को पार किए बिना स्नातक कक्षा का विद्यार्थी नहीं हो सकते, और स्नातक कक्षा को उत्तीर्ण किए बिना आप शिक्षित नहीं कहे जा सकते। उसी तरह से संसार में प्रत्येक संबंध का एक महत्व है, लेकिन वह सर्वोपरि नहीं है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसको कूड़े में फेंक दे, कहे कि मुझे क्या लेने देना, तो वो अपने कर्तव्य की अवहेलना कर रही है। एक पति अपनी पत्नी को भूख प्यास से छोड़ दे, कहेंगे कि नहीं ये तो माया है, मुझे कोई लेना देना नहीं, तो उसके हृदय में जो घृणा का संस्कार है, यह घृणा का संस्कार उसको अध्यात्म के पथ पर नहीं चलने देगा। एक पिता अपने पुत्र का पालन न करे, एक मित्र मित्र के साथ धोखा करे, सभी एक दूसरे को भूल जाए, कल्पना कीजिए 5 मिनट के लिए ऐसी अवस्था आ जाए जिसमें संसार के हर प्राणी में किसी के लिए आत्मीयता न रहे, तो क्या होगा?
क्या ये संसार चल पाएगा? सबके अंदर शुष्कता यदि आ जाए, घृणा आ जाए, कोई किसी से आत्मीयता न रखे, तो पांच मिनट, पांच घंटे, पांच दिन भी इस सृष्टि में गुजरना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि जब तक कोई व्यक्ति प्राथमिक कक्षा में प्रवेश नहीं करता, वर्णमाला के अक्षर लिखना नहीं सीखता, तब तक वो स्नातक की योग्यता नहीं प्राप्त कर सकेगा। उसी तरह से मानव एक सामाजिक प्राणी है। माता जन्म देती है, अपने वात्सल्य की स्नेह छाया में उसको लोरी सुनाती है, गोद में बैठाती है, अपने स्तनों का दूध पिलाती है, पिता उसको कंधे पर चढ़ाता है, और यहीं से मानव योनि में प्रवेश किए हुए जीव को यह सीखने को मिलता है कि प्रेम की झलक किसको कहते हैं। वो प्रेम नहीं होता, एक आत्मीयता, चेतन चेतन को चाहने का प्रयास कर रहा है। दोनों को पता नहीं है कि कौन है। पिता को पता नहीं है कि मेरे घर जो जन्म है ये किसने जन्मों से मेरा संबंध रहा है। जन्म लेने वाले बेचारे को कुछ पता नहीं, वो तो अनिद्रा में सो रहा है। समय प्रबल होता है, मित्र मिलते हैं, मित्रों से लगाव बढ़ता है, आगे समय का पक्षी कुछ और उड़ता है तो देखने को मिलता है कि वो गृहस्थ के बंधन में बंध गया, उसके सामने एक पत्नी भी आ गई, कुछ और समय दौड़ लगाता है तो पुत्र हो जाते हैं, पुत्रियां हो जाती हैं, रिश्ते निभाने लगता है। लेकिन इनके करते करते वो अपना हृदय तो सबको दिया, माता पिता को दिया, सेवा की, गुरुजनों की सेवा की। आप सोचिए, यदि एक विद्यार्थी अपने गुरुजनों का सम्मान न करें तो विद्या का अध्ययन कैसे करेगा? यदि कोई गुरुजन अपनी विद्या का दान ही नहीं दे तो आने वाली पीढ़ियों तक ज्ञान का प्रकाश कैसे पहुंच पाएगा? इसलिए सभी एक महान लक्ष्य की तरफ पूरक करने वाले कारक हैं। आने वाली पीढ़ी को जन्म देना, उसको पालन पोषण करना, उसको ज्ञान देना, सभी अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन इसमें उलझ जाते हैं, यही सबसे बड़ी भूल होती है। सबको याद रखना चाहिए कि हम एक धर्मशाला के यात्री हैं, रात भर रहना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जब हम सवेरे अपने काम पर जाने लगे तो धर्मशाला को याद करके रोना ना प्रारंभ कर दें कि धर्मशाला हमसे छूट जा रही है, हमारा लक्ष्य कहीं और है। जैसे मैंने कहा, स्नातक का विद्यार्थी स्नातक में जब अध्ययन कर लगता है तो पहली कक्षा या माध्यमिक कक्षा की स्मृतियों को याद करके रोता नहीं है, उसमें खोता नहीं है। वो अपने स्नातक की पढ़ाई को बंद नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि जब तक मैं स्नातक कक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लूँगा तब तक मैं शिक्षित नहीं कहलाऊँगा। यही वस्तु अध्यात्म में भी घटित होती है। जो लोग ये समझ लेते हैं कि पत्नी के प्रति लगाव ही मेरे लिए केवल प्रेम है, वो भ्रम है। जो यह सोचते हैं कि पति के लिए ही अपना जीवन सर्वस्व करना हमारा परम लक्ष्य है, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। पति को परमेश्वर मानना भूल है। पति परमेश्वर नहीं है, एक देवता है। वो हमारी रक्षा करता है, हमारे आहार के सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए वो देवता है। पति के लिए पत्नी देवी है। माता पिता अतिथि आचार्य सभी देव पुरुष हैं। सबका सम्मान कीजिए, सबके प्रति आत्मीयता रखिए, सबके प्रति श्रद्धा प्रकट कीजिए। एक पति यदि अपनी पत्नी का निर्वहन नहीं करता तो कहीं ना कहीं वो अपराध करता है। निर्वहन करके अपने हृदय में किसी के लिए आत्मीयता का एक कोना रखता है, और वही आत्मीयता का वृक्ष का बीज जब बढ़ते बढ़ते वृक्ष बन जाता है, इधर से ध्यान हटकर जब परमात्मा की तरफ लगता है तो इधर के सारे रिश्ते सारहीन लगने लगते हैं। यह संसार ऐसा प्रतीत होता है कि देखने में तो सेमल के फूल जैसा है। कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही है, ऐसा यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिनदस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कि यह सेमल का जो फूल है देखने में तो सुंदर है, इसमें फंसना नहीं। जैसे कि वो बेचारा कौवा फंस गया था, सोचता रहा कि इसका फूल इतना सुंदर है तो फल कितना मीठा होगा। बहुत लंबा समय गुजार दिया, कई महीनों के बाद जब फूल में फल लगे, चोंच मारी तो उसमें केवल रुई लगी, खाने को कुछ नहीं मिला। वैसे ही संसार है,
यदि आप संसार के संबंधों में शाश्वत शांति खोजेंगे, शाश्वत प्रेम खोजेंगे, शाश्वत आनंद खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। शाश्वत प्रेम शांति और आनंद तो केवल परब्रह्म के चरणों में मिलेगा। ये तो संसार के रिश्ते एक पड़ाव की तरह हैं। आप इनके लिए रोएंगे बिलखेंगे तो भी इन पर इनको दया नहीं आनी, ये आपसे मुंह फेर लेंगे, एक दिन आपको छोड़ देंगे। लेकिन जो आपका प्रीतम है अनादिकाल से अनंत काल से आपसे प्रेम करता है, ये जरूर है कि इन आंखों से वो दिखाई नहीं देता। अंतर की आंखें जब खुलती हैं तो वो दिखाई देने लगता है, और जब उसके रस में आत्मा डूब जाती है तो यही पुकार करती है कि रसमगन भई सो क्या जावे। जब केवल वह एक चाहत में आ जाए, केवल प्रीतम के प्रेम की चाहना हो जाए, उनके आनंद की चाहना हो जाए, उनके दीदार के अतिरिक्त कोई और सांसारिक वैभव ऐश्वर्य हमें मोह में न डाल सके, तो समझ लेना चाहिए कि हम कहते हैं कि अब हमें राज्य के प्रेम की तरफ हमने कदम बढ़ा दिया है। ना ही कथनी इश्क की और कोई कथियो जिन। इसी प्रकरण की छुपाई है, इश्क शब्दातीत है, अब कहूं रे इसकी बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। कोई माँ अपने बेटे के प्रति स्नेह को माप सकती है, ये कह सकती है कि मुझे उसकी याद सता रही है, उसके बिना मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगता। पिता अपने पुत्र की याद कर सकता है, एक शिष्य अपने गुरु की याद कर सकता है, मित्र मित्र की याद कर सकता है, सखी सखी की याद कर सकती है। किंतु इनकी एक सीमा है इस आत्मीयता की, वे अपने आंसुओं से अपने हाव भाव से दर्शा सकते हैं कि उनकी याद में मैं इतना कमजोर हो गया हूं। लेकिन प्रेम क्या है? इश्क बड़ारे सबन में ना कोई इश्क समान। सबसे बड़ा इश्क है, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि परम तत्व तक पहुंचने से पहले हमें कई बातें सिखाई जाती हैं। कोई कहेगा कि सेवा करो तो अहंकार जाएगा, सेवा करोगे तो राज्य के लिए प्रेम मिलेगा। कोई कहेगा कि बिना ज्ञान के प्रेम कैसे मिल पाएगा? ज्ञान है, सेवा है, श्रद्धा है, समर्पण है, ये सारी बातें कही जाएंगी। लेकिन यह भी समझिए कि इश्क एक शिखर का लक्ष्य है, शिखर बिंदु है, और सेवा श्रद्धा समर्पण ज्ञान भक्ति ये सभी एक पड़ाव है। इन पड़ावों से गुजरते हुए हमें अनन्य प्रेम की तरफ पहुंचना है, जिसमें केवल राज्य का प्रेम ही दिखे, कुछ और न दिखे। होता क्या है, सुंदर साथ कुछ दिन आंखें बंद करके चितवने के लिए बैठ जाएंगे, फिर इसी में चाहेंगे कि राज्य हमको इतनी शक्ति दे दें कि हमारी वाहवाही हो जाए। आप सोचिए, ये तो ऐसा हो गया जैसे खुदा पार निकल चुहिया। आप वाहवाही किसमें चाहते हैं? सुंदर साथ में, संसार में, फिर भी प्रतिष्ठा की चाहत हो गई ना। आपको राज्य से तो प्रेम नहीं हुआ। राज्य आपको इतना जान दे दे कि वाहवाही स्वतः मिलने लगे और आपको आसक्ति ना रखे, ये आपको चाहिए था। लेकिन आप प्रतिष्ठा की कामना से संसार में आपका आदेश चले, आप जो कुछ कहें लोग आंख मूंद कर मान लें, आपको श्री जी के समकक्ष माने जाने लगे, हर जगह आपकी जय जयकार हो, इस नाते से यदि आप शक्ति प्राप्त करने के लिए चितवनी करते हैं तो प्रेम नहीं कहलाया। प्रेम का अर्थ क्या है? जिसमें कुछ मांग ना हो, केवल समर्पण। सामान्य भाषा में अर्थ समझ लीजिए, प्रेम का अर्थ क्या है? अपने हृदय को लुटा देना ही प्रेम है। हृदय को कौन लुटाएगा? जिसके हृदय में प्रीतम को पाने की चाहत होगी वही तो प्रीतम पर अपना हृदय लुटाएगा। वह राज्य से परमधाम का दर्शन भी नहीं मांगता है, अखंड मुक्ति क्यों मांगेगा? क्योंकि उसको प्राणेश्वर की सान्निध्यता ही उसके लिए सब कुछ है। जब भग्न हृदय होता है तभी तो प्राणेश्वर से सच्चा प्रेम होता है। वो इस संसार में प्रतिष्ठा भी क्यों चाहेगा?
और इसके लिए वाणी में बीतक में एक घटनाक्रम है जो राज्य ने हमें शिक्षा देने के लिए की है। अपनी हलादनी शक्ति श्यामा जी पर भी ये दोष लगा दिया ताकि आने वाले समय में सुंदर साथ इससे सिखापन ले सके। रूह अल्लाह करी बंदगी यामी उनकी मैं तो गुनाह कहिया इन पर जो मांग लिया हक पे। सदगुरु धनी सिद्धदेव चंद जी ने कठोर साधनाओं को करके प्रीतम को पाया था। आप भी तक में सारा प्रसंग पढ़ चुके हैं, सुनते हैं हर वर्ष, किंतु उनके मन में एक चाहत रह गई कि राजी मेरे स्तन से अब जागनी क्यों नहीं करवाना चाहते। 69 पत्र भी लिखवाते हैं सब सुंदर साथ से, बिलखते हैं, रोते हैं कि राजी मेरे तन से क्यों जागने नहीं करवाते, क्योंकि मैंने आपकी इतनी बंदगी भक्ति की है, क्या मेरी भक्ति का फल इतना भी नहीं मिल सकता कि मेरे तन से जागने कराओ। उनकी प्रार्थना सुनी भी नहीं गई और सिखापन दे दिया गया कि भक्ति का अर्थ क्या होता है। हम किसी को याद करते हैं, चाहे वाणी से याद करें, चाहे हृदय से याद करें या आत्मिक दृष्टि से याद करें। वाणी से जब याद करते हैं तो वो उपासना कहलाती है, कर्मकांड कहलाती है, शरीयत तरीकत के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। जब हृदय से याद करते हैं तो मंजिल कुछ और चलती है। जब जान दृष्टि से याद करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो वो और मंजिल है। अंतक चक्षु खुल जाए, प्रीतम को देखने लगे और देखते देखते ऐसी अवस्था आ जाए कि हम तो कुछ नहीं है ही नहीं। हमारा हृदय जब भग्न हो जाए संसार से, भग्न का तात्पर्य टुकड़े टुकड़े, कोई आशा ना रह जाए किसी से, संसार में मुझे कोई देखेगा, कोई चाहेगा, कोई कुछ देगा, कोई अच्छा कहने वाला होगा, ये सारी आशाएं अग्नि में जलकर राख हो जाए। केवल एक चाहिए कि मैं अपने प्राणेश्वर को देखूं, अपने प्राणवल्लभ को देखूं और उसके हृदय में प्रवेश करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर लूं। अस्तित्व तो समाप्त नहीं होता, अहं का पर्दा समाप्त हो जाए कि हम हैं, केवल तू रह जाए, वही तो अध्यात्म का सर्वोपरि लक्ष्य होता है। और जब हम इस लक्ष्य की तरफ एकाग्र होकर के बढ़ते जाते हैं तब हम कहते हैं कि ये प्रेम या इश्क सबसे बड़ा है। सेवा आप करते हैं, मन में भाव रहता है कि हम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन सेवा कैसे होती है? जब हृदय में भाव होता है और इंद्रियां कार्यशील होती हैं तो उसको सेवा कहते हैं। सेवा के भी अलग अलग स्तर हैं, शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा, वाचिक सेवा, जीव के स्तर पर सेवा और आत्मिक सेवा। आत्मिक सेवा ही चित्वनी है, आत्मिक सेवा ही प्रेम है। आत्मा से सेवा करना, सेवा का तात्पर्य क्या होता है? हम किसी को एक गिलास पानी पिलाते हैं, भोजन देते हैं, वस्त्र प्रक्षालित करते हैं, तो भावना क्या रहती है? कि वह आनंद मग्न रहे, हमारा हृदय उसके लिए समर्पित होता है, तभी तो हम किसी को जल पिलाते या सेवा करते हैं। जब हमारी आत्मा उसके लिए पूर्णतया समर्पित हो जाए, अपने लिए कुछ नहीं चाहे। यदि आपने कुछ चाहा प्रीतम के प्रेम के अतिरिक्त, उसके दर्शन के अतिरिक्त, कुछ भी आपने संसार में कामना कर ले कि मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाए, मेरे अंदर इतनी शक्ति आ जाए, मेरे अंदर इतना ऐश्वर्य आ जाए, तो आपका प्रेम कलंकित हो गया, वह प्रेम नहीं रहा। प्रेम का तात्पर्य क्या? अपना हृदय, जैसे नए दर्शन का एक सूत्र आता है, हस्त आमलकवत, हथेली पर जैसे आंवला रख दिया जाए, उसी तरह से आप अपना हृदय आंवले की तरह अपने हृदय को हथेली पर रख करके अपने प्राणेश्वर को दे दीजिए। ये कथन एक सूफी फकीर ने राविया का भी है। राविया ने कहा है कि यदि परवरदिगार को पाना है तो हथेली पर अपना दिल रख करके दे दो। दर्शन शास्त्र उसको इस रूप में कहते हैं, हस्त आमलकवत वा। योग दर्शन की भाषा यह कहती है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्,
जब तक परमात्मा पर सर्वस्व समर्पण नहीं होगा। सर्वस्व समर्पण का अर्थ क्या होता है? हमें कुछ न चाहिए। यदि आप चाहते हैं, आप धन नहीं चाहते, पद प्रतिष्ठा नहीं चाहते, कुछ भी चाहते हैं प्रीतम के प्रेम के अतिरिक्त, आपकी फरमाइश है कि मुझे ये मिलना चाहिए, तो वो प्रेम नहीं हुआ। प्रेम बिना शर्त का होता है। प्रेम हृदय को समर्पित करने का नाम है। प्रेम ये नहीं देखता कि मैंने इतनी बंदगी की, राज्य ने अपनी सुनी ही नहीं। हिसाब किताब में प्रेम नहीं आता, वो तो एक व्यापार बन जाता है। जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में लोग 1 करोड़ मंत्र का जप कर लेंगे तो हिसाब लगाएंगे, 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ का मैं कर लूँगा, इतने पुरस्कार कर लूँगा तो मेरा नाम हो जाएगा, फिर भंडारा करेंगे, 1000 लोगों को खिलाएंगे और सारे संसार में प्रसिद्धि कर देंगे कि मैंने इतने पुरस्कार मंत्र का जप किया, और सबको दिखा दिखा करके करेंगे कि मैं परमात्मा से देखिए इतना प्रेम करता हूँ, मैंने इतने व्रत रखे हैं, इतने उपवास रखे हैं, इतने मंत्रों का जप किया है, पूरी पूरी रात गाएंगे, चिल्लाएंगे, नाचेंगे। यह प्रेम नहीं है। प्रेम की प्राथमिक कक्षा पर दस्तक है। आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपको प्राथमिक कक्षा में अभी नाम नहीं लिखा गया इन चीज़ों से। यदि आप प्रीतम के प्रेम की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो अर्जुन की तरह केवल एक दृष्टि रखिए, जैसे मछली का निशाना लगाना है, तो हमें अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय मंदिर में बसाना है। जब ये बात मन में आ जाए, और कोई चाहत नहीं, ना चाहूँ मैं बुजुर्ग की, ना चाहूँ खिताब खुदा है। महामती जी ने क्या कहा, मुझे खुदा का खिताब भी नहीं चाहिए, मुझे संसार में कोई बड़प्पन नहीं लेना है, न संसार में पारब्रह्म का लेना है, इश्क दीजो मुहे अपनो, मेरा यही समुद्दा है। आप अपना प्रेम दीजिए, मेरे हृदय में बसिए, हर पल मेरी अंतर की आंखें आपको निहारती रहें। जब यह भावना आ जाए तो कहते हैं कि इसको कहते हैं प्रेम। अब इसके सामने न सेवा ठहर सकती है, न इसके सामने कोई जान ठहर सकता है। आप सोचिए, आपने चारों वेद पढ़ लिए, 6 दर्शन पढ़ लिए, सारी वाणी कंठस्थ कर ली, सारे वित्त कंठस्थ कर लिए, कई कई भाषाओं में धारा प्रवाह बोलते हैं, किंतु आपके हृदय में प्रेम की एक बूंद नहीं पहुंची, तो क्या हो गया? ये तो वैसे हो गया जैसे आपका शरीर एक टेप रिकॉर्डर हो गया, पेन ड्राइव हो गया, जिसको लगा दिए आवाज आ रही है केवल। शुष्क हृदय है। शुष्क हृदय और भग्न हृदय में बहुत अंतर होता है। शुष्क हृदय में कोई नहीं समाता, उसके हृदय में किसी भी रिश्ते के लिए जगह नहीं होती, परमात्मा के लिए तो होती भी नहीं। संसार में माता पिता, भाई बंधु, गुरु आचार्य, किसी के लिए तड़प नहीं होती। और शुष्क हृदय वाला व्यक्ति अध्यात्म के पवित्र मार्ग पर भी नहीं चल पाता, क्योंकि जिसने जीवन में कभी एक बार भी अपना हृदय किसी के लिए नहीं दिया, किसी उसके हृदय में किसी के लिए पीड़ा नहीं हुई। जैसे हम अपनी गाड़ी में बैठकर अच्छे अच्छे व्यंजन खा रहे हैं, कोई भूखा प्यासा पथिक जा रहा है, हम अपनी गाड़ी के शीशे बंद कर लेते हैं क्योंकि डर लगता है कि वो मांगने लगेगा, हम छिप करके सारा जल्दी जल्दी निकल जाते हैं कि किसी को देना ना पड़े। आप सोचिए, आपके हृदय में एक भूखे प्यासे के लिए करुणा तो नहीं उमड़ी? आप पशु पक्षियों के मांस को लजीज व्यंजन बना करके खाते हैं, चटकारे लेकर खाते हैं, बहुत मजा आ गया, इससे मजा कुछ नहीं आया। आप अपने इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं, दूसरे प्राणियों की हिंसा करके, उनको तड़पा तड़पा कर मार कर, उनके मांस का भक्षण कर आप पेट को कब्रिस्तान बना रहे हैं, आपके अंदर प्रेम कहाँ से पैदा होगा? जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें प्रीतम का प्यार नहीं। पत्थर हृदय में धनी के चरण कमल नहीं आ सकते। जो किसी दुखी प्राणी को देखकर द्रवित नहीं हो सकता, उसके लिए उसके दुख को दूर करने में कोई योगदान नहीं दे सकता,
जो केवल अपना पेट भरना चाहता है, अपने को सुखी रखना चाहता है, जिसका हृदय किसी की व्यथा देकर पसीजता नहीं है, वो प्रेम का अधिकारी नहीं हो सकता। पर प्रीतम का प्रेम उसको कहाँ मिलेगा? क्योंकि प्रीतम का प्रेम भी तो उसी को मिलेगा जिसका हृदय निर्मल हो गया है, जो सपने में भी किसी का बुरा ना चाहता हो। यह बात ध्यान में रखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप किसी का सम्मान करते हैं तो आपका सम्मान हर कोई करेगा। आप किसी से प्रेम के लिए दो कदम बढ़ाते हैं तो कोई आपकी तरफ दो कदम बढ़ाएगा। आप एकांगी न बनिए। परमात्मा के प्रेम के नाम पर यदि आपने सबसे अपने को समेट लिया, दो तरह से समेटा जाता है। एक तो आप इतने ध्यान में डूब गए हैं कि संसार आपको नहीं दिख रहा है, किंतु आपके किसी व्यवहार से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। आपके घर आता है कोई तो अपना सौभाग्य समझिए कि आपकी कुटिया पर, आपके महल में किसी ने चरण कमल रखे हैं। यदि आप सोचते हैं कि कोई मेरे घर आ गया ये तो बहुत बोझ बन गया, तो आपका दुर्भाग्य है। आप किसी चेतन आत्मा को अपने घर बुलाकर एक गिलास पानी नहीं पिला सकते, प्रेम के शब्द दो कह नहीं सकते, दो स्नेह के शब्दों से आप उसको सम्मानित नहीं कर सकते, तो आपके हृदय में प्रेम कैसे आएगा? ये सबसे बड़ी भूल है। यदि कोई सोचता है कि मेरे घर कोई आ जाता है, मेरे लिए समस्या खड़ी कर देता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा। तुलसीदास जी ने बहुत ऊंची बात कही है, देखत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वाघर न जाइए कंचन बरसे में। वैसे तो कलश में जो ये प्रकरण चल रहा है इसमें सांसारिक बातों की चर्चा करनी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने केवल एक दृष्टांत दिया। यदि हम राज्य के प्रेम की तरफ चल पड़े हैं तो हमें अपने हृदय को शुष्क नहीं बनने देना होगा। हम संवेदना से रहित नहीं हो सकते। यदि हम संवेदना विहीन हो जाएंगे तो हम प्रेम की थाती को खो बैठेंगे, क्योंकि प्रेम अक्षरातीत का हृदय है। आप ब्रज में देखिए, अक्षरातीत का आवेश एक छोटे से बालक के रूप के तन में क्रीड़ा कर रहा है। उसको नंदी जी भी फटकारते हैं, विश्वान जी भी फटकारते हैं, राधा भी उस पर उग्र हो जाती है, लेकिन वो मुस्कुराता है, सबको रिझाता है, क्योंकि उसके हृदय में केवल प्रेम है। वो ग्वाल बालों के साथ खेलता है, जूठन भी खाता है, गायें भी चराता है, जिसके सतंग के एक दृष्टि मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड पल में बनते हैं और लय हो जाते हैं। वो इस संसार में प्रेम दर्शाने के लिए ग्वाल बालों के साथ खेलता है, गायें चराता है, जूठन खाता है, सबकी डांट खाता है। क्यों? क्योंकि उसने दर्शा दिया है कि प्रेम में कितना झुकना पड़ता है, दूसरों को कितना सम्मान देना पड़ता है। यदि हम संवेदना विहीन हो जाएं, सबसे मुंह फेर लें, तो हम प्रेम के मार्ग पर कैसे चल पड़े? इसलिए धाम मिलो सदीवे दुर्लभ मिलो संसार, परम धाम में तो सभी वैदत में है, सबको साथ ही रहना है। लेकिन सौभाग्य समझिए कि इस संसार में किसी से आपका मिलन होता है, कोई आपके पास चलकर आता है, आप उससे मुंह ना फेरिए, आप किसी से घृणा न कीजिए। सबके बीच रहते हुए भी जब अपनी आंखें बंद कीजिए तो आपका ध्यान केवल युगल स्वरूप के नख से सिख तक की तरफ रहे। अपने हृदय को कठोर बनाकर, शुष्क बनाकर कभी भी आप प्रेम के मार्ग पर चल नहीं सकते हैं। और जब वह प्रेम आ जाए तो उसके सामने कोई भक्ति नहीं ठहरती, कोई साधना नहीं ठहरती, उसके सामने सेवा नहीं ठहरती, उसके सामने ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें नहीं ठहरती, सब कुछ उसके सामने फीका लगने लगता है। महामति जी की आत्मा हम सब सुंदर साथ को उस प्रेम मार्ग पर ले चलते हुए यही बात कह रही है। इश्क बड़ारे सबन में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना
उड़ गई सब जहान, एक तेरे इसके बिना हे प्रीतम। आपने इस संसार में मुझे सब कुछ दे दिया, चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। मैं सोने के महल में रह रहा हूँ, हर तरह की सुख सुविधाएं हैं, 56 व्यंजनों का मैं सेवन करूं, फूलों की सैया पर मैं सोऊं, संगे संबंधी सभी मुझे रिछाया करें, लेकिन आप नहीं मिले, आपका प्रेम नहीं मिला। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। इस सूरज का क्या महत्व, इस चंद्रमा की शीतल चांदनी का क्या महत्व। सटृति में इस तत्व को बहुत अच्छी तरह से दर्शाया है। 6 ऋतुओं में इंद्रावती जी की आत्मा अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करती है कि सावन के घूमते हुए बादल जब बरसते हैं, लताएं झूमती हैं, वृक्ष झूमते हैं, लताएं उनसे लिपट कर अपने प्रेम को प्रदर्शित करती हैं, नदियां बहती हैं, नदियां सागर में मिलने के लिए व्याकुल होकर के दौड़ रही है, हवा चल रही है, नदियां बह रही हैं, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य घूम रहा है, सभी भाग रहे हैं, सभी शांति की खोज में भाग रहे हैं, लेकिन एक आत्मा है जो अपने प्राणेश्वर को न पाने से ठहरी हुई सी महसूस कर रही है। उसके लिए क्या है, सारा संसार सुना है। उगते हुए सूर्य का आकर्षण भी उसके लिए फीका है, तपता सूरज उसके लिए कोई महत्वहीन नहीं है, महत्वहीन उसके लिए कोई महत्व वाला नहीं है। शीतल चंद्रमा की चांदनी भी लगता है जिसे उसे चिढ़ा रही हो। बर्फीले पहाड़ों पर सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तो लगता है कि पूरा पर्वत ही सोने का है, लेकिन ये सोने का पर्वत भी उसको मुग्ध नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अंदर विरह की ज्वाला धधक रही है। महामती जी की आत्मा इन दृष्टांतों से सटृति में हमें समझाना चाह रही है। वैसे जब हमारे हृदय में प्रीतम का प्रेम आ गया तो सब कुछ आ गया, तुम आए सब आइया, किंतु जब वह नहीं आया तो एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहान। ये सारी सृष्टि हमारे लिए निरर्थक है यदि प्रीतम का प्रेम नहीं आता तो। हम सुंदर सा से क्या भूल होती है, यदि संसार में कभी कुछ कष्ट के पल आ जाते हैं तो कहते हैं कि बेकार राज्य के मार्ग पर चलना है, ये तो पहले अच्छे थे कि भारी पूरी आमदनी थी, सुख सुविधा में रहते थे, अब क्या राज्य को याद करना, राज्य ने माया क्या दिखा दी, केवल कष्टों की बाढ़ लगा दी, ये तो सबसे बड़ी भूल है। जो साहेब संकुल हुए ही तो दुख हुए थे, दुख तो आपको इसलिए दिए जाते हैं कि आप सबक लेकर सत्य को समझने का प्रयास करें। एक दिन ये सूरज नहीं था, आज है, भविष्य में नहीं रहेगा, ये आकाश नहीं रहेगा, ये धरती नहीं रहेगी, ये गैलेक्सी नहीं रहेगी, कुछ बचेगा नहीं, हमारे संगे संबंधी भी एक एक करके हमसे बिछुड़ते जाएंगे, यह एहसास कराने के लिए आपको दुख दिया गया था। आपने उसे प्रेरणा तो नहीं ली, उल्टे राज्य को दोषी बना दिया, और राज्य ने तो इस सृष्टि की मर्यादा में रखकर हमें सिखाया है कि संसारिक कष्टों से भागिए नहीं, दुखी मत होइए, हर पल हर घड़ी उस प्राणेश्वर को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। आप देखिए मिराज का तन है, अभी युवावस्था प्रारंभ हो रही है, लगन लग जाती है, मात्र 25 वर्ष की अवस्था में 1675 में जन्म होता है, 1703 में विद अरब देशों के लिए प्रारंभ करते हैं, उसके पहले उनको कठोर साधना का चस्का लग जाता है कि नहीं, मैं अपने प्राणेश्वर को क्यों नहीं पा सकता, क्यों नहीं देख सकता। उसके पश्चात अरब से आने पर कैसे कैसे आरोप लगते हैं बालभाई जी और बिहारी जी के द्वारा, उस पीड़ा को सहा, फिर बिहारी जी के गादी पर बैठने के पश्चात नजरबंदी की भी हालत में उनको गुजरना पड़ता है।
आरोप लगता है कि सारा धन हड़प लिया है राजा वजीर का। नजरबंदी की हालत में अपने प्राणेश्वर को पुकारते हैं प्रीतम, प्रत्यक्ष दीदार देते हैं उनके धाम हृदय में विराजमान होकर, कहते हैं कि सारों के सुख कारने जाहिर हुई तुम हमत, तेरे तन से वाणी उतरेगी, अब तुझे संसार पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के रूप में मानेगा, सब कुछ है, सारी शोभा मिल चुकी है, लेकिन मंदसौर में कैसा भोजन करते हैं, भीख के मिले हुए टुकड़े, श्री जी स्वयं भोजन करते हैं, औरंगाबाद हो, रामनगर हो, कैसा कष्ट है, स्वयं पैदल चलते हैं, धूप शीत वर्षा सजते हैं, किसके लिए, दूसरों की आत्मा को जगाने के लिए। जब पद्मावती पुरी धाम में आते हैं, छत्रसाल जी को सेवा करने का भाव जगता है, तो अपनी कृपा की दृष्टि फेर देते हैं, पूरे पन्ना की धरती हीरा उगलने लगती है। तो ये कार्य तो वो मंदसौर में भी कर सकते थे, औरंगाबाद में भी कर सकते थे, रामनगर में भी कर सकते थे। जब उदयपुर से चले हैं एक फकीरी भेष धारण करके, आप सोचिए यदि उदयपुर से आगे चलकर मंदसौर में कुछ हीरे भी निकाल दिए होते तो अच्छे अच्छे आभूषण श्री जी क्या नहीं पहन सकते थे, क्या अच्छे भोजन नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं, सब सुंदर साथ को कर कर दिखाया कि इस माया के संसार में तुम एक कदम चलोगे तो मैं 100 कदम चलकर पहले दिखा चुका हूँ, मैंने इस संसार के सारे कष्ट को देखा है, बीतक में स्पष्ट लिखा है, कोई कहे ठग है, कोई कहे सहस्त्र लोचन, जिस अक्षरातीत ने अपने चरण कमलों से इस संसार को पवित्र किया और जिनकी कृपा दृष्टि सारे ब्रह्मांड को अखंड करेगी, इस संसार के जीव को ठग कह करके खुश होते हैं, दिल्ली में कोई रहने के लिए मकान देना नहीं चाहता, इन सारे कष्टों को तो उन्होंने स्वयं झेला है। इसलिए यदि प्रीतम का प्रेम पाने के लिए संसार में कितने भी कष्ट झेलने पड़े तो सोचिए यह सौदा सस्ता ही है। इसलिए कह रहे हैं, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान, हमें सारे ब्रह्मांड का स्वामित्व मिल जाए, सारे ब्रह्मांड का ईश्वर हमारे चरणों की छत्र छाया में रहे, किंतु प्रीतम का प्रेम नहीं मिला तो हमारा जीवन निरर्थक गया। इसलिए कहते हैं कि राजी सब कुछ मिला, आपका प्रेम नहीं मिला तो हमारे लिए संसार का कोई महत्व नहीं है। हम क्या कहते हैं कि राजी यदि वैभव नहीं मिला तो हम आपको लेकर क्या करेंगे। तभी कहते हैं कि माया छूट गई, अब राजी को भी याद नहीं करना, धर्म में जैसे व्यापार चलता है, 1,000, 2,000, 5,000 रुपये खर्च करके हम पाठ रखवाते हैं, किस लिए, मन्नत मांगते हैं, वो भी व्यापार है। धर्म प्रचार के लिए सेवा कहिए कोई नहीं देगा, पाठ के लिए कहिए लाखों इकट्ठे हो जाते हैं, क्यों, लोगों को स्वार्थ होता है कि हम एक पाठ करवा देंगे तो राज्य हमारी प्रार्थना सुनकर हमको करोड़पति बना देंगे, हमारी कामना पूरी कर देंगे। प्रेम व्यापार नहीं होता, प्रेम तो हृदय को समर्पित करने का नाम है, और समाज में यही कर्मकांड सिखाया जा रहा है। वाणी कहती है राज्य के प्रेम मार्ग पर चलो, समाज में प्रचारित कर दिया जाता है कि इतने तारतम का मन जप कर लोगे तो तुम्हें यह प्राप्त हो जाएगा, वाणी का पाठ कर लेंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन यह तो संसार के लोगों के लिए है। आप क्या पाठ रखकर मन्नत मांगने आए हैं, आप क्या नारियल चढ़ाकर मन्नत मांगने आए हैं, यदि यही करना है तो संसार के लोग भी अपने अपने इष्ट को ये सब चढ़ाकर प्राप्त कर लेते हैं। सांसारिक उपलब्धियों की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है और यह अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म का एक सौदा करना है। हम अपने इष्ट के नाम से कुछ रखते हैं कि आप ये करो दोगे तो हम पाठ रख देंगे, नहीं तो फिर हम रखेंगे भी नहीं, आपको भुला भी देंगे, ये तो संसार का व्यवहार हो गया, ये प्रेम नहीं, ये मात्र कर्म कांड है। 14 तबक के हिसाब में, 14 लोगों का ये ब्रह्मांड, अब देखिए पाताल से बैकुंठ तक पौराणिक मान्यता में कहा जाता है, लेकिन यह ध्यान रहे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, ये सारे पृथ्वी लोक पर ही है।
जो कई सागरों की बात कही जाती है कि ये लाल रंग का सागर है, ये गिरित सागर है, ये दधि सागर है, ये ऐसा नहीं है। जैसे ल्हासा नदी लाल रंग की है, कुछ नदियां ऐसी हैं जो बर्फ से ढकी रहती हैं, उनको दधि सागर कहा गया है। इस तरह से पृथ्वी पर ये सारी शोभाएं समुद्र के किनारे के भाग, जो हिमालय से नीचे जितने समुद्री भाग हैं उनको पाताल कहा जाता है। पादस्य तले ये तो सहसा पाताल है। सिर्फ सबसे पहले भारत में पैदा हुई मानव सृष्टि, हिमालय पर खड़े होकर आप नीचे के समुद्री भागों को देखिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, दक्षिण अमेरिका हो, सभी पाताल लोक कहे जाएंगे। और जो ऊपर के सूक्ष्म लोक हैं, भूव महाजन तप सत्यम, ये सारे लोग, भूअर लोक, महर लोक, जन लोक, ये सारे ऊपर के लोक हैं, छह पृथ्वी को लेकर के सात लोक, ये 14 लोकों का ब्रह्मांड है। वैकुंठ भी आंखों से दिखाई नहीं देता, बहुत ध्यान तपस्या करने के पश्चात वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। और जैसे निराकार, जैसे एक सागर हो और एक बूंद आ जाए तो वो वैकुंठ का सुख कहलाती है, वैसे ही ये अनंत मोह सागर है। इस अनंत मोह सागर से करोड़ों वैकुंठ उत्पन्न होते हैं और पुनः उसी में लीन हो जाया करते हैं। और हमारी पृथ्वी जैसी करोड़ों पृथ्वियों का सुख भी वैकुंठ के सामने नहीं टिकता। वैकुंठ के सुख को एक समुद्र माना जाए तो उसकी बूंद पृथ्वी पर मानी जा सकती है। आप सोचिए, हम पृथ्वी पर क्या लेना चाहते हैं? ऐश्वर्य। इसी ऐश्वर्य को पाने के लिए तो हम 16-16 घंटे काम करते हैं, मशीन की तरह हाय हाय मची रहती है। हम इतना कमा लें, 4 गाड़ियां हो जाए, 10 कोठियां हो जाए, 20 करोड़ का बैंक बैलेंस हो जाए, हम लेकर तो नहीं जाएंगे। हम सोचते हैं हमारे पोते परपोते आएंगे, आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं करेंगे। इनके लिए हम समय दे सकते हैं। हमने अभी पोते को नहीं देखा, परपोतों को नहीं देखा, लेकिन उनके प्रति आ सकती है जो हमारा प्राणेश्वर है, जो हर पल हमारे हृदय मंदिर में बसता है, जो हर पल हमसे प्रेम करता है। उसके लिए कोई कुछ मिनट भी लगाना नहीं चाहता। प्रेम किसको कहेंगे? इश्क को इलक्षण, जो नैनो पलक न दे, नैनो पलक न दे, एक पल के लिए भी नेत्र यदि उसको देखते हैं तो पलक न झपके। इसका अर्थ क्या? जब हमारी सुरता उसकी तरफ लग जाती है तो संसार में जरा भी वो आसक्ति न रखे, जरा भी संसार की किसी चीज की कामना न करे, उधर दृष्टि न करे, इसको कहते हैं प्रेम। इश्क को ये लक्षण, जो नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे न मिल सके, अंतर नजर पिया में दे, हमारी अंतर दृष्टि प्रीतम में लग जाए और हमारी आत्मा के चक्षु अपलक नेत्रों से उसको निहारते रहें, उसी में डूबते जाएं, स्वयं को डूबोते जाएं, डूबोते डूबोते अपने को समाप्त कर दें। जैसे नमक का ढेला सागर से बना होता है, सागर की गहराइयों में डूबता जाता है, सागर कितना गहरा है, कितना गहरा होता है, और जाते जाते कुछ समय के बाद गलकर सागर में ही विलीन हो जाता है। उसका अस्तित्व तो समाप्त नहीं होता, लेकिन सागर जैसा ही बन जाता है। पहले नमक का एक ढेला था, ठोस, अपने को सागर से भिन्न समझ रहा था। सागर की गहराई नापने के प्रयास में वो बेचारा स्वयं सागर बन गया, कोई भेद नहीं रह गया। वो जिधर देखता है सागर ही सागर दिखाई देता है, वो अपने को नमक के रूप में नहीं पाता। सागर का जल भी नमकीन है, उसी सागर के जल को सुखा देंगे तो नमक का ढेला फिर पुनः बन जाएगा। लेकिन नमक ने सागर की था खोजने का प्रयास किया था और परिणाम स्वरूप उस स्वयं के अस्तित्व को भुला बैठा है। यही आध्यात्मिक चरम अवस्था है। इश्क को ये लक्षण,
जो नैनो पलक न दे, नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे न मिल सके। दौड़े फिरे का तात्पर्य क्या है? दौड़ना। संसार में भागम भाग लगी है। हम इस पुरी में लेट लेट का परिक्रमा कराएं, पैदल चल करके परिक्रमा आ जाएं, ये पाठ करवा दें, इतने भंडारे कर दें, ये है दौड़ना फिरना। मंदिरों और आश्रमों में चक्कर लगाना। सबसे बड़ा मंदिर तो आपका हृदय मंदिर है। इस हृदय मंदिर में ही तो आपका प्रीतम बसता है। कभी आपने सोचने का प्रयास किया है कि जब तक आपका हृदय संसार से टूटेगा नहीं, संसार की तृष्णाओं के प्रति जब तक आप कहीं ना कहीं आकर्षित रहेंगे, अपने हृदय के सिंहासन पर उसको बसाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक प्रेम कहां से आ जाएगा। इसलिए कहते हैं, चौदह तबक हिसाब में हिसाब निरंजन शून्य। चौदह लोगों का हिसाब हो सकता है, माप की जा सकती है कि चौदह लोग कितने क्षेत्र में है। अब देखिए, बैकुंठ तक जाइए, कौन पता कर सकता है? विज्ञान में कौन है जो ये बताए कि बैकुंठ कहाँ है? वो तो सूक्ष्म लोक है। कदाचित मनुष्य की बुद्धि इतनी प्रखर हो जाए कि चौदह लोगों की माप कर ले। निराकार को मापने वाला आज तक कोई नहीं हुआ, क्योंकि निराकार एक सागर है, अनंत सागर। इस सृष्टि को बनाने वाले नारायण को भी पता नहीं है कि निराकार का और छोर कहाँ है। गौतम बुद्ध समाधि अवस्था में यही देखते हैं कि सारी सृष्टि शून्य में विलीन हो रही है, शून्य अनंत है। इसलिए उन्होंने कहा कि शून्य ही स्वरूप पर है। वैसे उन्होंने शून्य से परे भी अव्याकृत का एहसास हो गया था, लेकिन उनके अनुयायियों ने अव्याकृत को तो समझा ही नहीं, केवल यही कह दिया कि शून्य ही सब कुछ है, शून्य से सृष्टि बनती है और जड़वाद की स्थापना करती। कहने का आशय क्या है? जिस अनंत मोहसागर को कारण प्रकृति का कोई पार नहीं पा सका, यदि मान लिया जाए कि हम भौतिक दृष्टि उतने उन्नत बन जाएं कि निराकार को भी पार कर लें, निराकार की माफ कर लें, किंतु न्यारा इसके हिसाब थे, इसकी की माफ नहीं कर सकते, क्योंकि इश्क क्या है? अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस है। ये प्रकृति तो जड़ है, हो सकता है इसकी माफ हो जाए, जबकि यह असंभव है मानवीय बुद्धि के लिए। अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत के हृदय के प्रेम की माप नहीं कर सके, श्यामा जी नहीं कर सकी, सखियां नहीं कर सकी। कैसे संभव है कि मोह से उत्पन्न होने वाले संसार के प्राणी अक्षरातीत के हृदय के प्रेम की माप कर सकें? न्यारा इसके हिसाब थे जिन देख्या पियो वतन। प्रीतम का प्रेम सबसे ऊपर है। न्यारा इसके हिसाब थे जिन देख्या पियो वतन, यह प्रेम ही तो प्रीतम से मिलाएगा। हाँ, प्रीतम का प्रेम ऐसा है, उस मार्ग पर जो चलता है संसार उसकी हंसी उड़ाता है। तभी तो बहुत आश्चर्य के साथ श्री जी को भी कहना पड़ा कि बेर बेर बरजत हो रे बाबा, मेरे ढिग आओ मत कोई, मैं तो बिगड़िया बिस्ते बिछड़िया। ऐसा क्यों कहना पड़ा? जब आप अध्यात्म की राह पर चलते हैं तो संसार के लोगों को लगता है कि ये कुछ अजीब से हो गए हैं, संसार हंसी उड़ाना शुरू करता है। यह भी संभव है पत्थर भी मारना प्रारंभ कर दे, यह भी है तरह तरह के अपशब्दों की भी बौछार कर दे। इसलिए संसार में हर महापुरुष को कांटों का ताज पहनना पड़ता है। जब बहुत लंबा अंतराल बीत जाता है तब संसार को विवेक आता है और तब संसार उस महापुरुष के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। किंतु प्रत्येक महापुरुष का स्वागत तो पत्थरों से होता है, अपशब्दों की बौछार से होता है, घृणा और तिरस्कार उसके लिए एक संजीवनी की तरह काम करते हैं। उसको घृणा भी झेलनी पड़ती है, तिरस्कार भी झेलना पड़ता है, किंतु जो उसके प्रेम में डूब जाता है, रस मगन भई सो क्या गावे,
लगे वाली कुछ और न देखे, पिंड ब्रह्मांड व कोहरी नहीं। उसके लिए तो न शरीर होता है न संसार होता है, इसलिए घृणा और तिरस्कार उसके ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ पाते। वो पत्थर खाता है, मुस्कुराता रहता है, लोगों की घृणा भरी आंखों को देखता है, मुस्कुराता रहता है, अब शब्दों की बौछार सुनता है, फिर भी उसको मुस्कुराने के सिवा और क्या, क्योंकि वो देखता है कि ये बेचारे तो नींद में है, ये तो ऐसा ही करेंगे, इनको मैं क्या कहूँ। इसलिए न्यारा इश्क हिसाब थे जिन देखा प्यू वतन, एक तरफ 14 लोकों जैसे असंख्य 14 लोकों के ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य हो, तभी तो कहा है कई कोट राज बैकुंठ के न अवे इतके खिन समान। आप चितुनी में बैठे हैं, आपकी आंखों से विरह के आंसू निकल रहे हैं, शरीर की शुद्ध नहीं, प्रीतम की कृपा दृष्टि बरसती है आप पर, आपकी अंतर्दृष्टि खुलती है और आपके सामने युगल स्वरूप नख से सिख तक सामने विराजमान होकर एक क्षण के लिए मुस्कुराते हैं, तो आप सोचिए उसमें जो आनंद मिलेगा, उसके आनंद के सामने तो करोड़ों बैकुंठ के राज्य भी मिल जाए तो फीके हैं, और सुंदर साथ के सामने कितना बड़ा सौभाग्य मिला है। लेकिन बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि हमारा सुंदर साथ अभी भी कर्मकांडों में लगा हुआ है, चितवनी की ज्योत टिमटिमाती हुई चल रही है, चारों ओर देश में केवल कर्मकांड, घंटी घड़ियाल सेवा पूजा माला कजब पूजा पाठ परिक्रमा, इसके सिवा कहीं कुछ चितवनी की धुन सुनाई नहीं पड़ती। आप सोचिए अक्षरातीत को 56 व्यंजन खिलाने से कुछ नहीं होगा, आप केवल अपना हृदय दीजिए, चितवनी में डूबिए, अपने शरीर से परे होइए, अपनी अंतर्दृष्टि से 25 पक्षों में घूमिए, हौज कोसर मानिक पहाड़ पुखराज नक्ष से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा में डूबिए, फिर देखिए आपका हृदय भी स्वयं प्रेम का सागर बन जाएगा। श्री महामत कहे मोमिनों ये निस्बत इश्क सागर, ये निस्बत इश्क सागर का तात्पर्य क्या है, आपकी अक्षरातीत से मूल निस्बत है, अखंड संबंध है अक्षरातीत से, तो आपके हृदय में भी इश्क का सागर होना चाहिए। यदि अक्षरातीत इश्क का सागर है तो आप इश्क से सुने क्यों हैं, क्योंकि आपने अपने मूल संबंध को नहीं पहचाना है। आप अपने मूल संबंध की तरफ दृष्टि कीजिए, अपनी परात्म को देखिए, तो दृष्टि ये संसार अपने आप हट जाएगा। जब परात्म की दृष्टि से अपने प्राणेश्वर को आप देखेंगे तो एक पल भी दूर नहीं कि वह आपके सामने न हो। और यह स्थिति आने के बाद केवल परम धाम नजर आएगा, आपका प्रीतम नजर आएगा, ये एक अंध परंपरा चल गई है। आज जोर जोर से कहा जाता है कि राज्य को देखा नहीं जा सकता, राज्य का दीदार नहीं हो सकता, इस तरह की बातों को हिंद महासागर में हमेशा के लिए फेंक दीजिए कि कभी इस तरह की बातें सुनने ही न पड़े। आप दृढ़ विश्वास कीजिए सूर्य वही है, चंद्रमा वही है, वाणी वही है, 300 साल पहले दर्शन होते थे, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी को दर्शन होते थे, आपको भी अधिकार है, आप भी परम धाम की आत्मा है। यह दृढ़ विश्वास कीजिए, केवल अपना हृदय दीजिए, राजी आपसे सोने के महल वाला मंदिर नहीं मांगते हैं, 56 व्यंजनों का भोग नहीं मांगते हैं, बड़े बड़े वस्त्र आभूषण नहीं मांगते हैं, केवल आपसे आपका हृदय चाहते हैं। और प्रेम की कसौटी पहली यही है, केवल आप अपना हृदय लिटाना सीखिए, आप कुछ ना मांगिए, ना संसार में महिमा मांगिए, ना इल्म मांगिए, ना हुक्म मांगिए, ना सुख सुविधाएं मांगिए, केवल प्रीतम से प्रीतम का दीदार मांगिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप प्राणेश्वर के होंगे, प्राणेश्वर आपके होंगे, आप प्राणेश्वर के हृदय में क्रीड़ा करेंगे, वे आपके हृदय में क्रीड़ा करेंगे। हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब ख्वाब, परिणाम क्या होगा, हमारे जीवन का लक्ष्य स्वरूप पर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ मेरी बात को अंगीकार करेंगे और चितवनी की लहर को सारे संसार में फैलाने का दृढ़ संकल्प लेंगे। प्रणाम।